एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तहत। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आई उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां पीड़िता को नहीं मिल रहा न्याय। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस पीड़िता को कर रही आत्मदाह करने के लिए मजबूर। कई बार उन्नाव कप्तान की चौखट पर भी गई, लेकिन वहां से भी नहीं मिला अब तक न्याय। पीड़ित परिवार जल्द जाएगा सीएम के दरबार। उन्नाव जिले में नहीं थम रही रेप जैसी घटनाएं, पुलिस न्याय दिलाने में हो रही नाकाम। उन्नाव जिले के थाना सीवन में हमेशा से चर्चित रहा है, जहां धीरे धीरे एक माह बीता जा रहा, जहां नाबालिग लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन सीवन पुलिस का अपराधियों को बचाने में और पीड़ित नाबालिग लड़की को आश्वासन देने में समय गुजर रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, एक महीने में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप व छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन आजीवन पुलिस पर्दा डालती नजर आ रही है। सबसे बड़ी घटना 15 फरवरी को हुई, जिसमें 13 वर्षीय नाबालिग लड़की हुई थी घटना की शिकार। वहीं दूसरी घटना 13 मार्च को हुई, जिसमें 10 साल की छात्रा पढ़ाने वाले एक शिक्षक की हुई शिकार। तीसरी घटना 11 साल की लड़की के साथ हुई। आखिर कब तक पर्दा डालती रहेगी उन्नाव की पुलिस? शोफिया को न्याय न मिलने पर आज वो फिर पहुंची उन्नाव एसपी की चौखट पर, और एसपी उन्नाव से लगाई अपराधियों को गिरफ्तार करने की गुहार। बड़ा प्रश्न कि क्या उन्नाव पुलिस अब दिखा पाएगी इस पीड़िता को न्याय, दिला पाएगी इस पीड़िता को न्याय, या यूं ही पीड़िता भटकती रहेगी? उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको खबरों की अपडेट मिलती रहे। उड़सड़ गया। थाना कौन सा आपका? आसीवन। क्या हुआ आपके साथ, वारदात क्या हुई आपके साथ? अच्छा, फिर हम एक FIR लिखाई, नांदेड़ लिखाई, लेकिन उसमें सब नाम काट के गुमशुदगी लिखा दी गई जी। हमने FIR नांदेड़ किए थे। अच्छा। उन्होंने गुमशुदगी लिख दी। अच्छा। खैर, जब हम लड़की जब ढूंढते ढूंढते हमको पता लगा लड़की, हम ढूंढ के लाए लखनऊ में, लड़की मिली। अच्छा। वहाँ से लड़की जब लाए, जो वहाँ लेने गए, तो वहाँ डॉक्टर फजलुद्दीन सजर और राजीव गद्दी, इनको सब हड़का भड़का के इतना गुमराह कर दिए जी, ये सब हमको भी भूल गई। अच्छा। जब हम इनको ढूंढते थे, सुबह पहुँच गए 11-1 बजे जी, लड़की हमको दिए शाम को 6:30 बजे जी, मगरिब की नमाज के बाद जी। किसने दिया? डॉक्टर बदरुद्दीन और सजर और ये राजू गद्दी। बदरुद्दीन कौन है? डॉक्टर है। अच्छा। कहाँ? लखनऊ के? लखनऊ में रहता है, गाँव में रहता है, लखनऊ में। अच्छा, आपके गाँव के ही है? गाँव के ही। अच्छा। सजर भी हमारे गाँव का है जी, और राजू गद्दी वो पलेंदे का है। अच्छा। GCB वाला है, वो भी बड़ा जमंग आदमी। अच्छा। तो उसने जो है उनको धमकाया, दरोगा बनाया, ये लोगों ने उनको धमकाया, कट्टा भी लगाया इनके। अच्छा। बिटिया के? बिटिया के, इनके उनके रौनक के खिलाफ बयान दो, जान से मार देंगे। अच्छा। ये सब कहते कहते होते करते शाम हो गई, हमने कहा बयान गलत न देना बेटा, चाहे जान जाए या ना है जी। तो हमने बयान गलत ना हो ना देने पर हम उनको रोक दिया, और हमने उनसे भी कहा तो कहे लड़की हम चमार के हवाले कर देंगे, तुमको लड़की देंगे नहीं। अच्छा। डॉक्टर बद्दीन सदर और रौनक ने वो कहा राजू ने। अच्छा। उसके बाद में आपने शिकायत दिया आसमान थाने में? शिकायत दिया था, जब जिस दिन लड़की लाए हैं उस दिन रात में तुरंत चेयरमैन द्वारा फोन करा दिया कि लड़की मिल गई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सोमवार को तुमको जो है थाने में बयान देना है। अच्छा। थाने में बयान देने लाए, हम बयान दिया, दिलवाया अपनी लड़की से, तो उन्होंने तुरंत जो है यहाँ उन्नाव में 191 सेंटर जो है, 1-1 सेंटर उसमें भेज दिया, ये डॉक्टरी होना है, वो होना है, सफेद बनना है, सब ये करा दे रहे हैं दरोगा जी। फिर हमको 10वें दिन जो है सब कुछ हो गया, 3-4-5 दिन में, लेकिन 10वें दिन हमको बयान दिला लेना आए यहाँ जी। यहाँ 64 के जब बयान हो गए, तो उस दिन भी शाम को लड़की हमारे हवाले न की गई। अच्छा। कहीं देर हो गई, लड़की तुमको नहीं मिलेगी, शाम को ही जाएगी हमारे सेंटर में जी। वहाँ फिर इनको भेज दिया गया, सुबह 5 जब फिर हम आए, तो लड़की हमको यहाँ से मिली जी, लड़की हमारे हवाले में अपने घर से ले गए। अच्छा। आपने मगर जो शिकायत थाने में दिया, उसकी कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई अब तक नहीं हुई सर। अच्छा। छुट्टा टाल लो। अच्छा। तो जो आरोपी हैं, जो बिटिया को अगवा किया, क्या क्या नाम, क्या क्या नाम उनके? नाम है देखो जगजीवन जी, और जगजीवन और उनका नाम है डॉक्टर हैं जी, सजर हैं। अच्छा। राजू गद्दी है जी, दो नाम अज्ञात में जो उनको नहीं पहचानती थी, उनके भी नाम मेरे हैं दिल में, लेकिन वो तो बात की। अच्छा। तो आज आपने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो गिरफ्तार करवाते हैं, 2 दिन में गिरफ्तार हो जाए। अच्छा। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में गिरफ्तारी होगी। क्या नाम बेटा आपका? सोफिया। सोफिया, तो आपके साथ में क्या वारदात हुई? यही
सज्जन डॉक्टर बदरुद्दीन राजू जगजीवन ये सब मेरे साथ बदतमीजी से बहुत पेश आए। अच्छा, तो आपको अगवा कर लिया था? हाँ। कितने दिन आपको अगवा किया? हमको कितना दिन हुआ? एक महीना और हो गया। अच्छा, फिर आप आगे कार्रवाई क्या की? हमने थाने में बयान दिया, उसके बाद हमको यहाँ वन स्टॉप वन सेंटर भेज दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम 11 दिन यहाँ रहे। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, आज जो बयान हुए तो उन्होंने कहा है सर ने 2-3 दिन में गिरफ्तार करवा देंगे। अच्छा।